दोस्तों, बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए कप्तान सूर्या ने मैदान में रख दिए अपने कदम। इंडिया और बांग्लादेश के बीच बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला सांस रोक देने वाला सबसे बड़ा पहला T20 मैच 11 खूंखार शेरों के साथ बनाई है अब तक की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच? भारतीय समय अनुसार कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ इस पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और पहले T20 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन है ये T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 3-0 से किसी मच्छर की तरह मसल दिया, जिसके बाद जीत के रथ पर सवार अब कप्तान सूर्या और उनकी पलटन के सामने एक नई चुनौती है। एक और चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुकी है और अब एक ऐसी रोमांचक सीरीज का ऐलान हो चुका है जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो आपको मालूम ही है, वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते। इसीलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है, इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें पहला T20 मुकाबला 17 अगस्त को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके बाद यह कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 19 अगस्त को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो दो हाथ करते हुए नजर आने वाले। तो फिर अंत में सीरीज का फुलर फाइनल तीसरा T20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण Disney+Hotstar के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, जहां ये सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे खेले जाएंगे। इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा और ये T20 सीरीज टीम इंडिया की कीमत पर किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत के पीछे झलक बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में BCCI ने पहले सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उपकप्तान बनाया गया। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी इस T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते नजर आने वाले, जिन्होंने पिछले T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था, साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI द्वारा दिया गया। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर सातवें और आठवें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। नौवें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में दसवें और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेश बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।